ये नगर पालिका परिषद जावरा में इन्होंने कुछ ठेके पर काम लिए हुए थे और इनके जो बिल थे करीबन 14-15 लाख का में से करीबन 10-11 लाख के इनके पेमेंट हो गया था। करीबन 50-60 हज़ार रुपये इनका पेमेंट शेष था और इनकी जो FD थी वो नगर पालिका में जमा हुई थी। तो ये इन्होंने पुलिस अधीक्षक को शिकायत किया लोकायुक्त को 9 तारीख को कि इनकी FD और शेष पेमेंट करने के लिए जो 3% के हिसाब से जावरा की CMO है नीता जैन उनके द्वारा मांग की जा रही है, जिस पर से उन्होंने मुझे निरीक्षक बसंत श्रीवास्तव को तस्दीक करने दिया। तो मैंने 9 तारीख को इनकी रिकॉर्डिंग कराई गई। 9 तारीख को इन्होंने बोला कि आप सत्तावत बाबू से बात कर लेना और मेरा जो लगेगा वो मैंने सत्तावत को बता दिया। फिर सत्तावत से 10 तारीख को बातचीत हुई तो सत्तावत ने ये बताया कि मैडम 20,000 रुपये मांग रही हैं 2% के हिसाब से, तो 2% के हिसाब से 20,000 रुपये मांग रहे हैं। तो उस पर से एक ट्रैप ऑर्गेनाइज किया गया और आज सत्तावत बाबू ने पैसे लिए और लिफाफे में 3,000 रुपये और मांगे इन्होंने, 3,500 रुपये। मैडम से ये कंफर्म करने आया कि 15 लाया है तो 3,500 रुपये और बुलाए और उसने दिए, तो 18,500 रुपये अभी विजय सत्तावत के जेब में से बरामद हुए हैं और वहीं नीता जैन के चैम्बर के बाहर ही पकड़ा है और अभी कार्रवाई जारी है। कितने लोगों का आरोपी? नीता जैन भी आरोपी हैं, विजय सत्तावत दोनों आरोपी हैं। धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम का इनके विरुद्ध पंजीबद्ध किया जा चुका है और अभी आगे की कार्रवाई जारी है।